नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन सोर्सेज, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री के। देखो, इंडिजिनियस सोर्सेज तो बहुत सारे थे हमारे पास, है ना, लेकिन वो कितने हद तक सही है ये हमें फॉरेन सोर्सेज से भी पता चल सकता है, उनको मैच करके अगर हम पढ़ें तो। कुछ एक जानकारी जो हमें इंडियन सोर्सेज में नहीं मिली है या बायोग्राफिकल टेक्स्ट में नहीं मिली है, वो हमें फॉरेन सोर्सेज से भी मिलती है। ठीक, तो फॉरेन सोर्सेज के भी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो इंडिया की हिस्ट्री है फॉरेन सोर्सेज में लिखी हुई, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ठीक, क्योंकि इंडिया की जो एंशंट हिस्ट्री की बुक्स थी वो कहीं ना कहीं गुम हो गई, जला दी गई, है ना, डिस्ट्रॉय कर दी गई जब मुस्लिम्स इंडिया आए थे उनके द्वारा। तो या अंग्रेज भी लेके चले गए, अंग्रेजों ने भी जलाया इंडिया की। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे में कि यहाँ भी फॉरेन में जहाँ भी हमारी हिस्ट्री हो उसको हम पढ़ें और उससे इन्फ्लुएंस लें। ठीक है, तो इनमें से ग्रीक ट्रैवलर्स और फॉरेन ट्रैवलर्स वगैरह जो थे बहुत ही ज़्यादा आए थे इंडिया में, है ना। जैसे इम्पॉर्टेंट जो मर्चेंट्स, इन्वेस्टर्स, हिस्टोरियंस, पिलग्रिम्स जो आते थे इंडिया में, वो नॉर्मली थे ग्रीक, चाइनीज, तिब्बतियन और अरेबियन। ठीक, इनमें से नाम अगर हम देखें तो कौन कौन इम्पॉर्टेंट है, हेरोडोटस, टेसियस, प्लिनी, जस्टिन, है ना, और अरेबियन जितने भी राइटर्स हैं। अरेबियन राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए क्योंकि उन्होंने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखी है कहीं ना कहीं। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं, पहले हम ग्रीक राइटर्स से शुरू करते हैं। ग्रीक्स के बारे में जो राइटर है, कुछ अलेक्जेंडर के टाइम के पहले के हैं, कुछ अलेक्जेंडर के टाइम के हैं, कुछ अलेक्जेंडर के बाद के हिस्टोरियंस हैं। ठीक, प्री अलेक्जेंडर टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं उनमें से कुछ एक हैं साइलेक्स, हिकेटस, मिलेटस, हेरोडोटस और टीसियस। और भी होंगे लेकिन ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। वैसे तो बहुत सारे हैं ग्रीक हिस्टोरियंस। तो यहाँ पे आप बुक थोड़ी हल्की दिख रही होगी तो आप ना अपनी बुक में से देख के इसको पढ़ो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप बस यहाँ पे सुन लो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए आए हो तब तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। ठीक, साइलेक्स, साइलेक्स कब था, 6th century BC में था। ग्रीक राइटर है जिसने इंडिया के बारे में लिखा है बहुत सारा। ये एक ग्रीक शोल्डर था ना, जो डेरियस वन के टाइम में था। और डेरियस वन कहाँ का राजा था, पर्शिया का राजा था। राजा ने इसको भेजा था कि इंडस रिवर का जो कोर्स है उसको जा कर के डिस्कवर करो, और इसने फिर उसी के बारे में पूरा लिखा है, इंडस वैली के बारे में पूरा डिटेल में लिखा है साइलेक्स ने। तो आपको नॉर्मली नाम क्या दिया जाएगा कि या तो इनसे रिलेटेड कोई बुक दे दी जाएगी कि हाँ भाई इन्होंने कौन सी बुक ली थी वो लिखो, या फिर ये किस राजा के टाइम में थे और ये ग्रीक थे या रोमन थे, ऐसा करके आ सकता है। ठीक, तो आप सिर्फ नाम याद रखो, उसके टाइम के राजा का नाम याद रखो और उसने क्या लिखा था थोड़ा बड़ा अगर हो जाता है तो बेटर हो जाए। ठीक, फिर हिकेटस मिलेटस, ये भी ग्रीक हिस्टोरियन था, ज्योग्राफर भी था। इसने भी इंडिया के बारे में लिखा है लेकिन सिर्फ इंडस वैली के आसपास के बारे में ही लिखा है। टाइम तो ऑब्वियसली अगर याद तो नहीं रहेगा, अगर याद कर सकते हो, आपके पास टाइम है इवन, तो आपकी क्लैरिटी देगा बहुत ज़्यादा कि हाँ कौन किसके बाद आया था। हेरोडोटस, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखी थी हिस्टोरिक्स, उसमें उसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में और इंडो पर्शियन रिलेशंस के बारे में। वो कभी इंडिया आया नहीं लेकिन उसने यहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन जो नॉर्थ वेस्ट में थी उसके बारे में खूब लिखा है। वो जानता था कि इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और ये डेरियस वन के टाइम में एरिया डेरियस वन के अंडर आता था, है ना, पर्शियन एम्पायर डेरियस वन के अंडर आता था, नॉर्थ वेस्ट का जो इंडिया था। और उसका कहना है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था वो डेरियस वन का 20th क्षत्राप था, मतलब प्रोविंस था। और यहाँ से लगभग 360 तलंत गोल्ड डस्ट उनके यहाँ जाता था एनुअल ट्रिब्यूट। ठीक, कुछ एक चीज़ों को हेरोडोटस बढ़ा चढ़ा के भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो गोल्ड डिगिंग आंट्स थी, वो इतनी बड़ी बड़ी थी कि कुछ डॉक्स के साइज की थी। तो ये कुछ बढ़ा चढ़ा के उसने लिख दिया। ठीक, टेसियस जो था ये ग्रीक फिजिशियन था। ठीक, किसके यहाँ, पर्शियन एम्पायर आर्टाजेक्सेस मैमन के यहाँ,
आर्टाजेक्सस मैमन क्या है, ये तो इतना नहीं आएगा, ग्रीक फिजिशियन तो आप ये याद रखिए। अब उस पर्शिया में था तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ उनका रिलेशन अच्छा था पर्शिया वालों का, तो वो उसको इंडिया के बारे में खूब सारी स्टोरीज के बारे में पता था। बट उसने पर्शिया के बारे में जो लिखा है वो बहुत सा बढ़ा चढ़ा के लिखा है, और इसको इतना ज़्यादा नहीं माना जाता है कि ये उतना रिलायबल सोर्स है। ठीक, अब अलेक्जेंडर के टाइम के कुछ एक हिस्टोरियंस थे, उनका नाम देखें हम तो उनका नाम नियरकस, ओनिसिक्रेटस एंड एरिस्टोबुलस है। अब कुछ एक नाम आप देखो ये टफ लग रहे होंगे आपको, बट आप क्या कर सकते हो, नाम तो भाई ग्रीक हैं तो उनके नाम ऐसे ही हैं, मैं कुछ किया तो जा नहीं सकता, आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, है ना। नियरकस नाम से ही पता चल जाएगा, अलेक्जेंडर का नियर था मतलब फ्रेंड था उसका, क्लासमेट था। ठीक, उसके नेवल जो नेवी थी उसके फ्लीट का एडमिरल था ये। ठीक, इस अलेक्जेंडर ने इसको भेजा था कोस्टल एरिया का सर्वे करने के लिए पर्शियन गल्फ से इंडस रिवर तक का। ठीक, इसने जो ओरिजिनल किताब लिखी वो तो गुम हो गई, लेकिन कुछ एक राइटर जैसे स्ट्रैबो एरियंस वगैरह थे, उन्होंने इसकी जो ओरिजिनल किताब थी उसमें से कुछ एक पैसेजेस को कोट करके अपनी बुक में लिखा था, और इस तरीके से वो बच गए वो पैसेजेस। ठीक, फिर ओनेसिक्रेटस करके अलेक्जेंडर के नेवल फ्लीट का पायलट था, है ना, और उसने एक्सपेडिशन में पार्ट लिया था नियरकस के साथ, उसने भी इंडिया के बारे में लिखा, उसने अलेक्जेंडर की बायोग्राफी भी लिखी। ठीक, फिर एरिस्टोबुलस जोग्राफर था, अलेक्जेंडर ने उसको कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसने अपने एक्सपीरियंस को बुक में लिखा द हिस्ट्री ऑफ वॉर, और बाद में ग्रीक राइटर एरियन ने उसके अकाउंट को अपनी बुक में डाला। ठीक है, फिर पोस्ट अलेक्जेंडर टाइम के कुछ एक राइटर्स हुए जैसे मेगास्थेनस, डीमेकस, डिनियोसियस, पेट्रोक्लस। ठीक, ये लोग आते हैं अलेक्जेंडर के बाद के। तो हम मेगास्थेनस का नाम तो हमेशा से सुनते आए, एक ग्रीक एम्बेसडर था जो कि सेल्यूकस निकोटर के द्वारा भेजा गया था, किसके यहाँ, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भेजा गया था, है ना। वो यहाँ इंडिया में 6 साल रहता है, 306 BC से 296 BC में, और उसने बुक लिखी थी इंडिका। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कई एग्जाम्स में कि इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थेनस ने लिखी थी। आप ये भी साथ में याद रखो किसके टाइम में था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था, किसने भेजा था, सेल्यूकस निकोटर ने भेजा था। ये 3-4 चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, इसकी ओरिजिनल बुक तो लॉस्ट हो गई, लेकिन कुछ एक राइटर्स जो बाद में आए जैसे डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, आर्यन, जस्टिन, इन्होंने इसकी ओरिजिनल बुक में से कुछ एक पैसेजेस लिखे थे अपनी बुक में, वो रह गए एज इट इज़, और उनको फर्दर ट्रांसलेट किया इंग्लिश में किसने, मैक्रंडल ने, और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन सामने आई इंडिया के बारे में वो कुछ एक ये हैं, जैसे कि इसने जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में लिखा था, फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री के बारे में लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के कैपिटल पाटलिपुत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा था, इसने बताया था कि इंडिया में स्लेवरी नहीं है, इंडिया में 7 कास्ट हैं, फिर इंडिया में चोरी नहीं होती है, है ना, फिर इंडियन फिलासफर्स के बारे में इसने कुछ एक लिया था, और इसने फिर ये भी लिखा था कि डिनोसस और हेराकल्स ने क्या पार्ट प्ले किया इंडियन हिस्ट्री में, वो भी लिखा था। ठीक, अब अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है, कुछ मानते हैं कि मेगास्थेनस ने गलत लिखा था, झूठ लिखा था, बट कुछ उसके फेवर में भी बात करते हैं, बट हम इस चीज़ में नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही मान के चलेंगे कि मेगास्थेनस ट्रुथ था, और उसने ज़्यादातर जो अपनी हिस्ट्री रिप्रोड्यूस की वो सुनी सुनाई लिखी उसने। ठीक है, इंडिका पहली ऐसी बुक थी जिसके थ्रू यूरोपियंस ने इंडिया को अच्छे तरीके से समझा, और मेगास्थेनस पहला एम्बेसडर था मेंशन जो कि इंडियन हिस्ट्री में है। चलो, अगला कौन है, डीएमार्कस। डीएमार्कस किसने भेजा था, एंटियोकस वन ने भेजा था, जो कि सीरिया का रूलर था, किसके टाइम में, बिंदुसार के टाइम में इंडिया को भेजा था। ठीक, ये आपको याद रखना, डीएमार्कस, एंटियोकस वन, बिंदुसार, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने खाली। ठीक, इसने भी इंडिया के बारे में लिखा होगा, ऑब्वियस बात है, ओरिजिनल बुक लॉस्ट हो गई है, लेटर राइटर्स ने इसके बुक में से कुछ एक पैसेजेस लिखे हैं, तो इसलिए हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक, डियोनीसियोस, यार हो सकता है नाम में गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ग्रीक नाम है तो ठीक है, इतना हमें लिबर्टी मिल सकती है ना।
डियोनीसियोस भी ग्रीक एम्बेसडर था। इसको टॉलमी टू जो कि इजिप्ट का रूलर था इंडिया भेजता है बिंदुसार के टाइम में ही। और इसकी भी ओरिजिनल बुक स्टोरी और जो पैसेजेस हैं वो लेटर हिस्टोरियंस के थ्रू ही हमें पता चलता है। ठीक, तो बिंदुसार के टाइम में कौन दो आए है ना, एक डीएमएकस और डीनियोसियस। ठीक, एक आया था सीरिया से, एक आया था इजिप्ट से। फिर आता है पेट्रोक्लस, ये गवर्नर था एक प्रोविंस का, कौन से प्रोविंस का, जो कि कैस्पियन सी से इंडस रिवर के बीच में प्रोविंस था, उसका गवर्नर था ये। ठीक है, उस समय रूलर कौन हुआ करता था, सेल्यूकस और एंटियोकस वन। उसने इंडिया को डिस्क्राइब किया और साथ ही दूसरी कंट्रीज को भी डिस्क्राइब किया था अपनी बुक में। फिर टिमोस्थेने नेवल एडमिरल था टॉलमी वन टू का। एलियन ग्रीक हिस्टोरियन था, इसने कौन सी बुक लिखी थी, अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री, इसने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के बारे में लिखा था। डियोडोरस ग्रीक हिस्टोरियन था, इसने किताब लिखी थी कौन सी, बिब्लियोथिक हिस्टोरिया, और इसने इंडिया के बारे में लिखा है, इसने इंडिया के बारे में मेगास्थिनस ने जो भी लिखा है उसके बेस पे इंडिया के बारे में इसने अपनी किताब में लिखा। और इसकी किताब से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन के बारे में, इंडिया के इन्वेजन के बारे में। ठीक, स्ट्रैबो भी ग्रीक हिस्टोरियन और ज्योग्राफर था, इसने मेनली ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में इंडिया के ज़्यादा लिखा है, और साथ ही सोशल रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है। उसने ये भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में मैरिटल रिलेशनशिप्स थे, है ना, और उसने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास वुमन बॉडीगार्ड्स थे। ठीक, किसने, स्ट्रैबो ने ये सब बातें बताई है। ठीक है, फिर प्लूटार्क आता है। प्लूटार्क ने डिस्क्राइब किया है अलेक्जेंडर की लाइफ के बारे में और कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है इंडिया के बारे में। उसने कहा है कि एंड्रोकोटस किसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य का, कहीं पे सैंड्रोकोटस बोलते हैं ये, कहीं पे एंड्रोकोटस बोलते हैं। उसने बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिला था जब वो यंग था। ये कौन बोलता है, प्लूटार्क बोलता है। ये बातें आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना, या आ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। फिर एक बहुत ही फेमस बुक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। अब इसका राइटर कौन था ये नहीं पता है हमें, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आपको दे देगा ये वाली किताब का नाम और चार ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा हाँ यार यही होगा, और एक नन ऑफ द अबव दे देगा, आपको लगेगा कि हाँ इनमें से कोई ना कोई तो होगा ये ग्रीक राइटर, और आप मार दोगे। लेकिन इसका राइटर का नाम कोई नहीं जानता है, अच्छे से बैठा लो दिमाग में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ भाई साउथ इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, इंडिया और रोम के ट्रेड के बारे में पता चलता है। अब हम देखते हैं क्या है इसमें, है कि जो राइटर था वो ना सेल करके रेड सी के थ्रू इंडिया आया था अराउंड 80 AD में, है ना, और उसने यहाँ के पोर्ट हार्बर मर्केंटाइज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसने बताया कि किस तरीके से मैरिटाइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे इंडियंस, है ना, और एक बंदा था हिप्लॉस मरीनर था, उसको खूब अच्छी नॉलेज थी मॉनसून विंड्स के बारे में, और वो बताता है कि किस तरीके से ये मॉनसून विंड्स हेल्प करती थी रेड सी से इंडिया और इंडिया से रेड सी जाने में ट्रिप को शॉर्ट बनाया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है संगम पीरियड का भी। ठीक, और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है ट्रेड बिटवीन रोमन एम्पायर एंड द साउथ इंडियन के बारे में। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आर्यन करके एक हिस्टोरियन आते हैं, उसने दो बुक लिखी इंडिका, इंडिका मेगास्थेनेस ने भी लिखी थी, आर्यन ने भी लिखी थी। फिर इसने एनालिसिस ऑफ अलेक्जेंडर लिखी है, एनालिसिस ऑफ अलेक्जेंडर का मतलब है हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर्स कैंपेन, और ये सबसे ज़्यादा रिलायबल बुक मानी जाती है और ऑथेंटिक अकाउंट माना जाता है इसका राइटर्स में जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य को मेंशन किया एंड्रोकोटस के तरीके से। ठीक, फिर कॉस्मोस करके एक ग्रीक मर्चेंट था जो बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है, वो मेडिटेरियन सी से रेड सी आया, फिर पर्शियन गल्फ होते हुए श्रीलंका और इंडिया पहुंचा। ठीक है,
550 एडी में उसने एक किताब लिखी थी, क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। ये सब किताबें आपको याद रखती हैं, ठीक है ना, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती हैं किताबें, और ये किताबें आ चुकी हैं इसीलिए इन किताबों का नाम यहाँ पे मेंशनड है। आप ये याद रखो चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आएंगी, ये आ चुके हैं ये सब नाम, इसलिए आपको यहाँ पे नाम ये दिख रहे हैं। क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स लिखी हुई किसने, कॉस्मोस ने लिखी थी, और इसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है बिटवीन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका और दूसरी कंट्रीज के साथ, इंडिया का ट्रेड श्रीलंका और दूसरी कंट्रीज के साथ इसने साफ साफ लिखा है उसमें, ठीक। ये तो थे आपके सारे के सारे ग्रीक राइटर्स। अब रोमन राइटर्स के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लें फटाफट। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है प्लिनी का, रोमन हिस्टोरियन था। इसका कॉन्टेम्प्रेरी रूलर कौन था, कनिष्क था, और इसने बुक लिखी थी नेचुरलिस हिस्टोरिया, क्योंकि इसका मतलब है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें इंडिया का डिस्क्रिप्शन है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ग्रीक्स एंड अदर वेस्टर्न मर्चेंट्स, और कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट एनिमल प्लांट एंड मिनरल्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम, ठीक। प्लिनी का ये इंपॉर्टेंस है। कर्टियस रोमन हिस्टोरियन, कॉन्टेम्प्रेरी एम्पायर था इसका क्लेडियस, और इसने भी बुक लिखी है जिससे हमें पता चलता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में काफ़ी कुछ। टॉलेमी रोमन ज्योग्राफी का हिस्टोरियन, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ज्योग्राफी, जो कि एंशंट ज्योग्राफी और ट्रेड बिटवीन इंडिया और रोम के बारे में बताती है। फिर जस्टिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरियन है, रोमन हिस्टोरियन, जिन्होंने एक किताब लिखी थी एपिटॉम, मतलब कि समरी ऑफ रिटन बुक, और ये टेक्स्ट जो है बेस्ड है ग्रीक अकाउंट्स के बारे में, जितने भी ग्रीक्स लोगों ने लिखी होगी। तो हिज टेक्स्ट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कैंपेन अलेक्जेंडर द ग्रेट का, विद और किस तरीके से चंद्रगुप्त ने पावर को सीज किया था, किन से, नंद वंश, है ना, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का रोल के बारे में बात किया कि किस तरीके से उसने ग्रीक पावर को नॉर्थ वेस्ट से उखाड़ फेंका था, ठीक, और उसने इसको सैंड्रोकोटस नाम दिया है चंद्रगुप्त को, ठीक है। जस्टिन क्या नाम देता है अलेक्जेंडर को, सैंड्रोकोटस नाम देता है। तो ये था आपके ग्रीक हिस्टोरियंस के बारे में भी पूरा हमने पढ़ लिया, फॉरेन सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, है ना। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका डायरेक्ट कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, चाइनीज सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।